सही। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक डिस्प्ले है। कौन सा मॉडल का है जी? J5 का है। देखिए ये सब पुराना हो गया अब, लेकिन कि ये भी बनाना जरूरी होता है। जैसे ये नया स्टूडेंट है ना, तो इसको OCA पेपर कैसे लगाते हैं ये भी जानकारी होना चाहिए। अब जो जो बंदा इस फील्ड में होगा वो चालाकी करेगा ही, तो पुराना चीजें क्या है बता रहा, लेकिन इसके लिए नया है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट में हर पुराने चीजों को भी नए चीजों को सब बताना पड़ता है। तो चलिए देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, J2 फोन को ये विदाउट OCA टच है, इसमें OCA नहीं लगा हुआ है। तो भाई इसमें OCA लगा करके कैसे पंचिंग करेंगे वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले इसको साफ कर लिए आप जी। चलो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें OCA पेपर को लगाएंगे। तो ये OCA पेपर को कैसे लगाएंगे, ये देखो OCA पेपर में इधर एक लेयर रहता है, इसको पहले ऐसे उचाड़ना है। उचाड़ने के बाद एक और लेयर होता है, उसको आप ऐसे उचाड़ोगे। ठीक है, ऐसे पकड़ोगे। उसके बाद एक रोलर है, अब देख रहे हो, इसको लेना है। इसको यहाँ पे डिस्प्ले के एकदम पूरा सीधा में बैठाना है ऐसे। उसके बाद ये वाले रोलर है, उसको ऐसे चला देना है एकदम साफ सुथरा से ऐसे। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें हम OCA को लगा चुके हैं, क्या किए है ना। अब ये जो साइड साइड में, इसको हम इससे कटिंग करके निकाल देंगे ऐसे। इधर से भी हम कटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इधर भी कटिंग करेंगे, और अब ये OCA को हम ऐसे करके उचाड़ेंगे। प्रोसेस समझ रहे हो कि नहीं? जी चलो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है उसको आपको निकाल देना। यही आप जब कटिंग करते हो तो इसी को उचाड़ते हो। ठीक है, चलो मदरबोर्ड कहाँ है, इधर है मदरबोर्ड भाई साहब। अब इसको क्या करना है, आराम तरीके से मदरबोर्ड में पेस्ट कर देना है, ऐसे करके फिट करना है। यहाँ पे आप अच्छे से लगा दोगे, थोड़ा अच्छे से बैठा रहेगा। तो नीचे हाथ पे दबना नहीं चाहिए, नहीं तो डिस्प्ले टूट जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसे लग गया हमारा, इसको ऐसे बैठा देना है। अब यहाँ से हल्का हाथ से ऐसे दबाना है, ठीक है, ऐसा कि जोर से ना डिस्प्ले टूटे वैसा ना। ऐसे करके इसको जो ऊपर वाले प्लास्टिक है उसको भाई सब को निकाल देना है। ठीक है, निकालने के बाद इसको अच्छे से बैठा देना है ऐसे, और चारों तरफ बराबर तरीके से बैठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये टच लेना है, इसके ऊपर पन्नी है, ये पन्नी को हटा देना है। हटाने के बाद इधर यहाँ पे मैच करना है अच्छे तरीके से पहले। और ऐसे आराम तरीके से इसको हम फ्रेम में बैठा दिए, देखो पूरे फ्रेम में बैठना चाहिए। ठीक है, बैठने के बाद इसको आप यहाँ पे खोलेंगे। हड्डी में इसलिए बैठाते हैं ताकि डिस्प्ले के अच्छे चारों तरफ से बराबर जगहों पे बैठे। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, अब इसको मशीन में डाल देंगे, इसका काम खत्म है ना। अब चलो OCA मशीन के पास। अब ये हमारा पंचिंग मशीन है, ये लेमिनेशन मशीन है। इसमें एक गद्दा को गद्दे के ऊपर हम बैठा देंगे इस तरीके से, इसको ऐसे करके, और ऐसे डिस्प्ले का पत्ता को ऐसे रखेंगे। ठीक है, और इसको एकदम सीधा ऐसे डाल देंगे मशीन के अंदर, इसको लॉक कर देना है। ये मशीन को ऑन करना है, यहाँ पे एयर खोलेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये मशीन को ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लाइन देते हैं, लाइन दे दिए, इसमें लाइन आ गया, और इसको स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये पंच करेगा, बस कुछ सेकंड है ना, सेकंड में हो जाएगा। ये हमारा डिस्प्ले को पूरे अच्छे से पंच करेगा। ठीक है,
25 तक, 25 जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये उठ जाएगा। इस मशीन का काम कंप्लीट मतलब कुछ सेकंड का काम होता है। अब इसको निकालेंगे और आपको दिखाएंगे इस मशीन में क्या काम किया। इस मशीन में देखो पूरे डिस्प्ले को दबा दिया, दबाने के बाद क्या है, एयर है, क्या है ये एयर को जो है जो बबल है वो ये मशीन, ये है बबल रिमूवल मशीन, ठीक है ये रिमूव कर देगा। कैसे करेगा वो देखो, इस मशीन में ऐसे इसको डालना है, इसको बंद करना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, अब ये पंचिंग करना चालू, सॉरी एयर को जो इसमें बबल है वो रिमूव करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखो इधर पूरा का पूरा क्लीन हो गया, कहीं कहीं बबल रहा क्या, कुछ नहीं रहा, ये हो गया पूरा 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा फिनिश, समझा कि नहीं। तो इस तरह से पंचिंग वाला मशीन काम करता है। अब तू हाथे से करेगा तो इतना फिनिशिंग वो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है चलो।